दिलदार हुसैन बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, प्रशांत गुप्ता बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, क्या मजाक है बेटा। शुभम पाटिल बोलते हैं मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे की रोज पढ़ाई करेंगे। अमन कुशीनगर बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। पार्थ दारजी, तो सबने बोला है 12 घंटे, कोई कह रहा है 10 घंटे पढ़ूंगा। बेटा आप सच सच बताओ ना, झूठ क्यों बोल रहे हो। 10 आवर्स, सुश्री बोलते हैं मैं 10 आवर्स पढ़ूंगा, चौधरी जी बोल रहे हैं मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, यहां कोई स्मृति आके बोल रही मैं 15 घंटे पढ़ाई करूंगी। बेटा रियलिस्टिक लेते हैं, कम से कम दिन में क्या बेटा आप मुझे बताना, मैं बहुत कम, क्या आप 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो इन बचे हुए 150 दिन में, अगर सच में तुम्हारा सपना है रियल में बेटा, मजाक में नहीं। एक तो होता है मजाक में बोल देना कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, एक होता है मजाक में बोल देना मैं डॉक्टर बनूंगा। रियल में बेटा सच्चे दिल से ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा अगर सपना है इन 150 दिन, क्या तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो, कम से कम 8 घंटे मिनिमम, ये मुझे बता दो। अगर सही में तुम चाहते हो यहां से तुम कम बैक करो, कम बैक करना है ना बेटा, 5 महीने निकल गए बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पर अभी बचे भी तो 5 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब में तो पेपर आ जाएंगे, 5 महीने मल्टीप्लाई बाय 30, 150 दिन। यार फेब तो बोनस मंथ है, रिविजन करेंगे दबा के, वहां तो बोर्ड के एग्जाम भी आ जाएंगे, स्कूल के एग्जाम, उसके बाद आपका 12th स्टार्ट होगा कब, अप्रैल से, फिर 1 महीना मिलेगा वहां पे जम के फिर रिवीजन करेंगे। मैं तो मिनिमम मान रहा हूं 150 दिन, क्या गिना मैंने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फेब का मिड तक मान लो, थोड़ा 10-15 दिन क्लास इधर उधर भी होती है तो भी तुम्हारे पास 150 दिन है। आई प्रॉमिस अगर तुम नहीं लिखोगे मैं यहां से आगे लाइव नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अभी लाइव बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब नहीं, मैं किस लिए सब कर रहा हूं। ठीक है, सभी बच्चे लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, समर्थ लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, मोहित प्रीत लिख रहे हैं शपथ लेता हूं, गेमर लिख रहे हैं आई प्रॉमिस। ध्यान से देखूं, यहीं पे रुकते हैं, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो चाहे तुम्हारा मैं जेई का सिलेबस उठा लूं, चाहे नीट का सिलेबस उठा लूं, चाहे मैं आईआईटी का सिलेबस उठाऊं, चाहे मैं नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लूं या फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, दोनों में ही सारे चैप्टर्स जोड़ के लगभग कुछ 38 से 42 चैप्टर्स बनते हैं भाई, चैप्टर गिनने का तरीका सबका अपना अपना, लगभग लगभग आपके 40 चैप्टर बनते हैं सारे सब्जेक्ट मिला के, 1200 घंटे 40 चैप्टर, यानी एक चैप्टर में बेटा आपको कितना टाइम मिल रहा है, 30 आवर्स आपको मिल रहे हैं अभी, 30 आवर्स यू आर गेटिंग ऑन वन सिंगल चैप्टर। अब ये सवाल उठता है सर 30 आवर्स में एक चैप्टर हो जाएगा, बेटा मैंने कितने बच्चे पीडब्ल्यू के देखे हैं जो 11th की शुरुआत में सीरियस नहीं होते, लास्ट के 5 to 6 months में कमबैक करते हैं, नीट के अंदर टॉप 100 में रैंक निकालते हैं, आईआईटी के अंदर टॉप 500 के अंदर रैंक निकालते हैं। यस इट इज पॉसिबल, अभी भी एक चैप्टर पे आप 30 आवर्स आपको मिल रहे हैं, यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है और मैं तुमको ब्रेकडाउन समझाता हूं थोड़ा, ठीक है, तो एक चैप्टर पे तुम्हारे पास 30 घंटे हैं। अब इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ हमने डिवाइड किया है, एक चैप्टर पे जो आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, जो आपकी क्लासेस होंगी, वो सिर्फ 9 घंटे की लाइव लेक्चर्स होंगे, जहां आपको क्रिस्प और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट आपको देंगे, एकदम क्रिस्प और एकदम स्ट्रक्चर्ड टू द पॉइंट, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन कराएंगे। एक चैप्टर की टोटल जो क्लासेस होंगी, जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जो थ्योरी बेटा पढ़ाई जाएगी, वो 9 घंटे की। इसके बाद बेटा अब क्या करेंगे, लाइव प्रैक्टिस क्लास। अब इस फाइटर बैच के अंदर का जो फॉर्मूला है, उसमें जो सबसे यूनिक चीज निकल के आई वो ये है कि बच्चा लेक्चर तो मूवी की तरह एंजॉय करता है, देख लिया बड़ा मजा आया, सब समझ में आया, क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे हैं, एग्जाम फिर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करता। मैं किस कैमरे में देखूं, मुझे क्लियर कर दो इसमें कि इसमें, तो पहले क्लियर कर देना था कि बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करता है। बच्चा लेक्चर्स तो बड़े मजे से देखता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है, प्रैक्टिस ही नहीं किया। अब फाइटर बैच के अंदर हमने क्या किया बेटा, कि जो भी आपके भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स जो आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, टोटल जो आपकी 9 घंटे की क्लास है, एक दिन में नहीं होगी, रोज आपकी 2 ही क्लासेस होगी 1.5-1.5 घंटे की, कम पढ़ाएंगे पर सब पढ़ाएंगे। आपकी एक दिन में 2 क्लास हुई लाइव क्लास, 1.5 घंटे की 1.5 घंटे की, उसके बाद आपको दिया 1 घंटे का ब्रेक कि जाओ भाई जल्दी से रिवाइज रिवाइज करो, खाना वाना खाओ, फ्रेश हो लो, फिर रात में आओ वापस बैठो, रात में आओ वापस बैठो मेरे साथ, अब फिर से मेहनत करते हैं लाइव प्रैक्टिस क्लास में।
अब तुम उन्हीं टीचर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करोगे, अपनी डीपीपी सॉल्व करोगे जिन टीचर्स ने तुम्हें लाइव क्लास में पढ़ाया है। अब ऐसा नहीं होगा कि जाओ अपनी डीपीपी सॉल्व कर लो कल मिलेंगे, नहीं नहीं, डीपीपी दिया है तो डीपीपी सॉल्व भी हाथ पकड़ के साथ में कराएंगे, लाइव क्लास में बैठ के कराएंगे। एक बार आपकी डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास खत्म हुई, शाम हुई, खाना पीना खाया, फ्रेश हुए, वापस आए, कॉपी पेन उठाया, लग गए वापस डीपीपी सॉल्व करने, और सामने वो टीचर लाइव बैठा हुआ है जिसने आपको क्लास में पढ़ाया है, वो आपके डीपीपी के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करा रहा है। बेटा इस तरह के 5 आवर्स के टोटल आपके प्रैक्टिस होंगे एक सेशन के, एक चैप्टर के। अब बेटा एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो बेटा उसका 90% ना आप 7 दिन के अंदर भूल जाते हो। Revision is the biggest problem of candidates who are preparing for IIT or NEET exam. आप अपने दोस्तों से पकड़ना, आप उन बच्चों को पकड़ना जो IIT या NEET का एग्जाम इस साल दिए हैं, और आप उनसे एक चीज पूछना कि भैया दीदी क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट था? वो कहेंगे हाँ मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो आपका क्या IIT निकल गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया, याद नहीं आ रहा था एग्जामिनेशन हॉल में, पढ़ा तो सब था क्लास के अंदर, जब सर ने पढ़ाया था समझ में भी आया था, एक एक चैप्टर के 200-200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जाम में याद ही नहीं आया। क्या प्रॉब्लम है? रिवीजन। रिवीजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब रिवीजन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने एक हफ्ते में जितना भी पढ़ा ना बेटा, 90% चीजें तो आप भूल जाते हो, सिर्फ 10% बचता है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हर वीकेंड में संडे को 2 आवर्स की रिवीजन क्लासेस लगाएंगे, मैराथन क्लास लगाएंगे। मान लेते हैं इस हफ्ते आपका फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया, तो इस हफ्ते के एंड में संडे में आपकी मैराथन क्लास होगी जिसमें टीचर आके इस हफ्ते में जितना भी पढ़ाया है वो सारी चीज को समराइज करके 2 घंटे के अंदर आपको एक क्रिस्प लेक्चर देगा कि इस हफ्ते ये पढ़ा, ये रिवाइज करो, ये फॉर्मूला याद हुआ, लेट अस से हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, तो वो आएगा बोलेगा देख फर्स्ट लॉ में ऐसा होता था, ये फर्स्ट लॉ में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इनर्शिया कैसे सवाल आते हैं, एक्सेलरेशन कैसे सवाल आते हैं, ये सेकंड लॉ तो इन्होंने पढ़ लिया, ये सेकंड लॉ के ये क्वेश्चन, ये थर्ड लॉ के क्वेश्चन, ये देख पुली वाले क्वेश्चन, ये देख आपके इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन, ये देख सीडो फोर्स वाले क्वेश्चन, इस तरह के आपको 15-20 टाइप के क्वेश्चन 2 घंटे में पूरा चैप्टर समराइज किया। उसके बाद आपको मिलेगी एक समरी नोट्स, उस चैप्टर में 7 दिन जितना पढ़ा उसका पूरा समरी। पर बेटा जितना सुनने में मजा आ रहा है ना, करने में उतना ही डिफिकल्ट होगा, इसीलिए इस बैच का नाम फाइटर रखा है। कोई भी बच्चा जो हिम्मत नहीं रखता है ना वापस लड़ने की, मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगा इस बैच में आप आना मत, आपका मैं फीडबैक भी नहीं लूंगा। जो बच्चा एक्चुअल दिल से फाइटर है ना, वही इस बैच में आना, क्योंकि यहां पे रगड़ के पढ़ाई होगी। ये सब करने के बाद 9, 5, 14, 2, 16 घंटे एक चैप्टर पे अपने को कितने मिले थे? 30 घंटे। अभी भी 14 आवर्स, 14 घंटे अभी भी आपके बचे हुए हैं जिसमें आप बेटा सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, रिविजन खुद से भी कर सकते हो। तुमको बेटा सच बताऊं, दिल से बताऊं, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की। ये 16 आवर्स एक्चुअली इनफ होंगे इस चैप्टर के लिए, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मार्च का जो पूरा खाली महीना मिलेगा जिसे हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ क्लास 11, वहां पे भी रिवीजन कर सकते हैं। ये 14 आवर्स में तुम थोड़ा ऊपर नीचे भी कर गए ना, कोई टेंशन नहीं है, यहां पे चीजें संभल जाएगी। पर यहां तुमने ऊपर नीचे किया ना बेटा, फिर अब समय नहीं है, है ना, बड़ी मुश्किल से हम ये चीज कर पाएंगे।